हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर की, जो कि जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, फ्रैक्चर इज अ एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बोन कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ बोन डेट रिजल्ट पार्शियल और कंप्लीट डिफॉर्मिटी। मतलब जो कंटिन्यूटी होती है बोन की, वो क्या होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी वजह से पार्शियल और कंप्लीट डिफॉर्मिटी यानी अबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो ये थी हमारी फ्रैक्चर की डेफिनेशन। अब इटियोलॉजी की बात करें, फ्रैक्चर की इटियोलॉजी क्या है, लेस इंटेक ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है उसका लेस इंटेक के कारण। सेकेंड है लैक डाइट्री ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और कैल्शियम की जो कमी के कारण क्या है, फ्रैक्चर होने के चांसेस है। इसके बाद जो डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। इसके बाद है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के कारण भी हमारा फ्रैक्चर होता है। तो ये था हमारा इटियोलॉजी ऑफ फ्रैक्चर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की बात करें, अकॉर्डिंग टू वाउंड फॉर्मेशन, वाउंड फॉर्मेशन मतलब वाउंड के अकॉर्डिंग। और सेकेंड है अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर ऑफ पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रैक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रैक्चर है अकॉर्डिंग टू वाउंड फॉर्मेशन। और पहला ओपन फ्रैक्चर, इसमें बोन ब्रेकिंग होने के साथ साथ स्किन भी चीर कर बाहर आ जाती है। मतलब बोन फ्रैक्चर हो गई, इसके बाद जो बोन है वो स्किन को चीर कर बाहर आ जाती है, मतलब स्किन को भी ब्रेकडाउन कर देती है। इसके बाद जो सेकेंड है क्लोज फ्रैक्चर, इसमें बोन ब्रेकिंग शरीर के अंदर ही होती है, जो फ्रैक्चर हो गया वो शरीर के अंदर ही होगा, इसमें किसी भी तरह का वाउंड क्रिएशन नहीं होता है, इसमें कोई भी वाउंड क्रिएशन नहीं बनता है। तो ये था हमारा क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। अब अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर ऑफ पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन से हैं, पहला कंप्लीट फ्रैक्चर, इसमें बोन टूट कर दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है वो दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है। इसके बाद इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इस टाइप के फ्रैक्चर में बोन आधी गहराई में तक ही टूटती है, मतलब उसको आधी टूटती है एवं आधा भाग परस्पर जुड़ा रहता है, इसमें जो हड्डी जहाँ से ब्रेकडाउन होती है वहाँ से जुड़ा होता है। इसका डायग्राम आपको आगे बताएंगे। थर्ड जो फैक्टर है वो है ट्रांसवर्सल फैक्टर, इसमें फ्रैक्चर बोन की लंबाई के ठीक 90 डिग्री कोण पर होता है, मतलब जो सेंटर में फ्रैक्चर होता है। इसका भी डायग्राम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसमें फ्रैक्चर जो होता है वो 90 डिग्री के समकोण के यानी बीचे बीच में होता है। इसके बाद सेकेंड है ऑब्लिक फ्रैक्चर या स्पाइरल फ्रैक्चर, इसमें फ्रैक्चर बोन की लंबाई के तिरछे कोण पर होता है, जो बोन होती है उसका तिरछा, जैसे सीधी बोन है उसका तिरछा कोई फ्रैक्चर होता है उसको कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर या स्पाइरल फ्रैक्चर। इसके बाद हमारा फिफ्थ वन है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें फ्रैक्चर के बाद भी बोन के दोनों भाग आपस में संपर्क होते हैं, मतलब थोड़े बहुत जुड़े होते हैं। एफ इंपैक्टेड फ्रैक्चर, इसमें जो फ्रैक्चर के बाद बोन के दोनों एंड्स एक दूसरे में धस जाते हैं, मतलब दोनों एक इंपैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे में धस जाते हैं। ग्रीन स्ट्रीक फ्रैक्चर यह इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का उदाहरण है, इसमें पेड़ के छाल की तरह फ्रैक्चर होता है, इसमें ये सबसे कॉमनेस्ट होता है पीडियाटिक में, सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर पीडियाटिक में होता है वो है ग्रीन स्ट्रीक फ्रैक्चर। अब है हेयर फ्रैक्चर या हेयर लाइन फ्रैक्चर, इसमें बोन हेयर की मोटाई के बराबर तड़क हो जाती है, मतलब टूट जाती है, इसलिए इसे हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। ज़्यादा उसमें ज़्यादा फ्रैक्चर या टूटना नहीं होता, सिर्फ हेयर के जो साइज होती है मोटाई उसकी तरह ही फ्रैक्चर होता है। इसके बाद डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, इसमें फ्रैक्चर के कारण बोन का एक भाग अंदर की ओर धस जाता है, दूसरे बोन में डिप्रेस्ड हो जाता है। अब हम आपको इसके डायग्राम बताएंगे।
सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जैसे कि क्लोज फ्रैक्चर, ये अंदर कोई इसमें स्किन ब्रेक डाउन नहीं हुई है। इसके बाद ओपन फ्रैक्चर, जैसे कि बोन फ्रैक्चर होने के बाद भी क्या हो गई है, जो स्किन को ब्रेकआउट कर गई है। इसके बाद कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें बोन टूटने के बाद भी क्या है, कनेक्टेड है। इसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये सबसे कॉमनेस्ट होता है पीडियाटिक में। इसके बाद ट्रांसवर्सन, जैसे कि लंबी बोन है, इसके बीच में 90 डिग्री कोण पे ट्रांसवर्सन फ्रैक्चर होता है। इसके बाद डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ये डिप्रेस ये सबसे होता है हेड में, हेड फ्रैक्चर। इसके बाद ओब्लिक फ्रैक्चर, ये ओब्लिक जैसे कि कोई फिंगर है, इसमें फ्रैक्चर हुआ टेढ़ा, मतलब तिरछा। इसके बाद स्पाइरल फ्रैक्चर, ये स्पाइरल सांप के आकार के अंदर जो फ्रैक्चर होता है उसको कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। इसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कौन सा है, ये धस जाता है एक दूसरे में। और कंपोजिशन फ्रैक्चर और एवोल्यूशन फ्रैक्चर, कंपोजिशन फ्रैक्चर मतलब परस्पर टूट जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, और कंपाउंड पूरा टूट कर अलग ही एक तरह से बिखर जाता है। तो हमने बताया आपको इनके डायग्राम। अब इसके मेन बोन्स जिसमें फ्रैक्चर होता है कौन कौन सी बोन्स है, लॉन्ग बोन होती है, हेड की बोन होती है, इसके बाद वर्टिब्रल बोन होती है, और लोअर जो जबड़े की बोन होती है, इसमें मेन जिसमें फ्रैक्चर होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, सबसे पहले फ्रैक्चर में 5 PS साइन होते हैं, जैसे पेलर, पेन एंड पॉइंट टेंडरनेस, पल्सलेस, इसके बाद पैरालिसिस और प्रेस्थेसिया। ये था 5 P ऑफ फ्रैक्चर। अब अदर कौन से, डिफॉर्मिलिटी होगी, स्वेलिंग होगी, कोल्ड स्किन होगी मतलब ठंडी स्किन हो जाएगी, और ब्लूइश डिसकलेक्शन हो जाएगा स्किन का, फ्रैक्चर हो जाएगा। वैसे भी ब्लूइश कलेक्शन, सर्कुलेशन रुक जाएगा तो ब्लूइश कलेक्शन हो जाएगा स्किन का। तो ये था हमारा साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। मेन इंपॉर्टेंट इसके याद रखना 5 PS। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले आएगा इसका हिस्ट्री कलेक्शन, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या किसी अन्य चीज के कारण जो जो हुआ है फ्रैक्चर उसका पता लगेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन करेंगे। इसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, इसके नर्व डैमेज हो जाएगी, वेस्कुलर डैमेज, परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी। इसके बाद फैट एम्बोलिज्म हो जाएगा और सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन वगैरह इसका कोई हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन इसके। अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का अर्थ क्या होता है, डिस्प्लेस्ड बोन सिगमेंट को नॉर्मल पोजिशन में लाना रिडक्शन कहलाता है। जो बोन हो गई, अब नॉर्मल बोन हो गई या टूट गई, उसको नॉर्मल पोजिशन में लाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन या फिक्सेशन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले क्लोज रिडक्शन, जिसमें एक्सरे या सीटी स्कैन से पता लगाकर ट्रीटमेंट करते हैं, मैनुअल पुनः पोजीशन में लाने का प्रयास करते हैं। मैनुअली क्या करते हैं, उसको पूर्ण अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास करते हैं, बिना किसी ओपन वाउंड किए या मतलब किसी सर्जरी के बिना ही उसको ट्रीट करना होता है। सेकेंड जो है हमारा ओपन रिडक्शन, ओपन सर्जरी की सहायता से फ्रैक्चर बोन सिगमेंट को नॉर्मल पोजीशन में फिक्स्ड किया जाता है। कोई फ्रैक्चर हुई बोन है, उसको सिगमेंट को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए क्या करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं। तो ये था हमारा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये था हमारा फ्रैक्चर पे वीडियो, जिसमें डेफिनेशन, इसके एटियोलॉजी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका मैनेजमेंट पढ़ा। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।